जय माँ काली, जय शिव शंकर। आपके घर पर कुछ लोग जादू टोना कर रहे हैं, समय रहते संभल जाइए, नहीं तो बड़ा नुकसान मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप संभल जाएंगे तो आप बच जाएंगे, वरना आप ही के अपने लोग आपको धीरे धीरे करके आपको अपने जाल में फंसा रहे हैं। बता देंगे ये राशि की वीडियो आप सभी के लिए बहुत लाभकारी महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो आप इसे बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे शुरू से लेकर अंत तक देखें। अगले दो दिनों में 48 घंटे में आपको बता दें कि आप अपने ऐसी जानकारी को जानेंगे, ऐसे हालातों के बारे में जानेंगे किस तरह आप बुरे जालों से आप फंस सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि वह कौन से उपाय हैं जिनसे आप अपने जीवन में बड़ी खुशियाँ ला सकते हैं और सभी बुरी शक्तियों को आप अपने मन मस्तिष्क से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके जीवन शैली पर आधारित है, बहुत खास वीडियो है। ग्रह का विश्लेषण पांच लग्न की गणना करने के बाद ही विशेष रूप से वीडियो बनाया गया है। आने वाले समय में आपके साथ क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, कौन से क्षेत्रों को लेकर आपको सावधान रहना चाहिए जिससे आप बड़ा बदलाव ला सकते हैं, साथ ही आपके घर के माहौल पारिवारिक जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो व्यक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखेगा, सीधा आशीर्वाद उसे माता रानी का प्राप्त होगा, तो जरूर लिखिएगा दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, इस समय ग्रह गोचर परवरिश स्थिति में है। दोस्तों बता दें, अपनी योग्यता और कार्य क्षमता द्वारा आप महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं, इसलिए दोस्तों पूरा मन लगाकर आपको अपने कार्यों के प्रति प्रयासरत रहना है। बच्चों को सकारात्मक गतिविधियों से इस समय खुशी प्रदान करने के बाद में भी जिन लोगों को साथ अगर सावधानी के लेकर बात करूं तो दोस्तों, अपनी उपलब्धियों का दूसरों के सामने अधिक बखान ना करें। जलन की भावना से कुछ लोग आपके लिए नकारात्मक विचार इस समय रख सकते हैं। दोस्तों, आपको अपने गुस्से पर भी कंट्रोल रखना, शांति से आपको काम लेना चाहिए। किसी भी प्रकार की आर्थिक दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए दोस्तों इस समय अनावश्यक खर्चों पर आप कंट्रोल रखें, ये बेहतर रहेगा। इसके साथ ही साथ इस समय यात्रा से जुड़ी हुई योजनाओं में अंतिम समय पर बदलाव आ सकते हैं। दोस्तों, यात्रा करते समय आपको अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संभाल कर रखना आपके लिए अति आवश्यक होगा। यदि आपके घर में कुछ बदलाव आप करना चाहते हैं तो दोस्तों इस समय जो है योग्य समय रहने वाला है, इस समय आप बदलाव कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपके लिए जो समय रहेगा दोस्तों, आपको बता दें घर से संबंधित आप अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अधिक संजीदगी और गंभीरता से पूरा करेंगे। आप अपनी जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन लाने से आपके व्यक्तित्व में और अधिक निखार आएगा। काफ़ी समय से कोई खोई हुई वस्तु भी इस समय आपको मिल सकती है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, इस समय कोई खर्चा भी सामने आ सकता है जिसकी वजह से टेंशन रहेगी, परंतु इस समय धैर्य और संयम से ही आपको काम लेना चाहिए, ये आपके लिए उचित होगा। दोस्तों, वाहन अथवा संतान की शिक्षा से संबंधित लोन लेने के पेपर वर्क को इस समय आप लोगों को ध्यान से रखना चाहिए, ये बेहतर रहेगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, यदि आपके लिए जो समय होगा, आपके दिनचर्या के लिए जो समय रहने वाला है दोस्तों, आपको बता दें ज़रूरत से अधिक आप भावुक महसूस कर सकते हैं, जिसका असर आपकी निर्णय क्षमता पर भी हो सकता है। दोस्तों, पिता के दौरान लिए गए निर्णय की वजह से आप लोगों को मानसिक तकलीफ का भी सामना करना होगा। आपकी भावनाओं को दूसरों के द्वारा ना समझ पाना आपके लिए अधिक तकलीफदायक रह सकता है। मित्रों द्वारा आपको जो भी साथ मिल रहे हैं उससे आप लोग विवादों से इस समय बच पाएंगे। इसके साथ ही साथ ये समय आपके लिए जो समय रहेगा, दिनचर्या के लिए जो समय रहेगा, आपको अचानक ही चमत्कारिक रूप से किसी भावी लक्ष्यों की प्राप्ति होगी, जिससे दोस्तों आपका आत्मविश्वास और अधिक मजबूत होगा। घर में नज़दीकी रिश्तेदारों के आगमन से खुशनुमा माहौल रहेगा। विद्यार्थियों को भी अपनी मेहनत के उचित परिणाम इस समय हासिल होंगे। साथ ही दोस्तों, इस समय ध्यान रखें कि किसी नकारात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति की बातों में आकर के आप अपना कोई भी बड़ा काम आप बिगाड़ सकते हैं। दोस्तों, अपने व्यक्तिगत के अलावा जीवन सामाजिक गतिविधियों में भी आपको ध्यान देना आवश्यक है। साथ ही इस समय किसी भी प्रकार की यात्रा को स्थगित रखना आपके लिए उचित रहेगा। इसके साथ ही साथ इस समय आपके मन में चल रही योजनाओं को प्रगति में चल रही मन में आनंद होगा। खुद के प्रति बदला नज़रिया आपको दूसरों की नज़र में भी और बेहतरीन बना सकता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें मार्गदर्शन मिलने की वजह से आप जो है प्रतियोग तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ ये समय आपके लिए जो समय रहने वाला है, दिनचर्या के लिए जो समय रहने वाला है दोस्तों, कोई शुभ समाचार मिलने से आप अपने अंदर जो है अद्भुत आत्मविश्वास ऊर्जा महसूस करेंगे। परंतु दोस्तों, किसी भी कार्य क्षेत्र में घर के वरिष्ठ विद्यों के
आप लोग आवश्यक ना करें। घर के सुधार या फिर परिवर्तन संबंधित योजनाओं पर भी कोई महत्वपूर्ण कार्य इस समय हो सकता है। साथ ही दोस्तों किसी के साथ में भी बातचीत करते समय आप अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक होगा। दोस्तों इस समय आपके द्वारा बोली गई कोई नकारात्मक बात संबंधों को खराब कर सकती है। इसके साथ ही खर्चे पर भी अंकुश लगाएं। पैसे के लेन देन संबंधी कोई भी कार्य इस समय ना करें, यह आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों इस समय आपके लिए जो समय रहने वाला है, जीवन से जुड़ी हुई हर बात के बारे में कुछ ना कुछ आनंद में इस समय आपको प्राप्त होने वाला है। मित्र द्वारा मित्र परिवार के साथ संबंध बेहतरीन बनाने की वजह से आपको जो है इस समय बेहतरीन समाधान प्राप्त हो सकता है। आपके द्वारा किए गए जो काम है इस समय प्रशंसा हो सकती है। नए व्यक्ति के संग में हुआ परिचय आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों यदि आपके करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों इस समय व्यवसाय के क्षेत्र में कर्मचारियों के साथ उचित तालमेल बनाकर चलें। इस समय जो है आप प्रिय आप लक्ष्य को आराधित किए हैं उसके लिए और अधिक आपको मेहनत करने की आवश्यकता होगी। दोस्तों सरकारी सेवारत व्यक्तियों पर कार्यभार की अधिकता रहेगी। बहुत जल्द कार्यों का भी इस समय दबदबा आपके ऊपर रह सकता है। दोस्तों इसके साथ ही साथ इस समय आपके व्यवसाय के लिए जो समय रहने वाला है, आपके करियर के लिए जो समय रहने वाला है, दोस्तों आर्थिक रूप से दिन आपके लिए उत्तम रहेगा। व्यवसाय में बदलाव संबंधी योजनाओं पर विचार होगा। दोस्तों कुछ परेशानियों के बावजूद भी योजनाएं काफ़ी हद तक सफल हो जाएंगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपने काम पर अधिक ध्यान देने की इस समय आवश्यकता रहने वाली है। इस समय दोस्तों ट्रांसपोर्ट संपत्ति ये आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों इस समय आपके व्यवसाय के लिए जो समय रहने वाला है, आपके करियर के लिए जो समय रहेगा, दोस्तों कार्य क्षेत्र में कुछ नया करने का आपका जो प्रयास है इस समय काफ़ी सफल रहने वाला है। परंतु दोस्तों रुपये पैसे के मामले में किसी पर भी ज़्यादा भरोसा ना करें, यह आपके लिए बेहतर रहेगा। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने फाइल और डॉक्यूमेंट संभाल कर रखें, उनका दुरुपयोग होने की भी आशंका इस समय बन रही है। इसके साथ ही साथ दोस्तों इस समय आपके करियर के लिए जो समय रहने वाला है, कार्य क्षेत्र में पिछले कुछ समय से चल रही परेशानियों का इस समय अंत होगा और इससे आप राहत महसूस करेंगे। आर्थिक माहौल में घर के किसी वरिष्ठ और अनुकृपी व्यक्ति का मार्गदर्शन और सलाह आपके लिए उपयोगी साबित होगी। प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय भी इस समय फायदेमंद रहने वाले हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों यदि आप लोगों के लव लाइफ को लेकर बात करूं तो इस समय पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान अवश्य करें। प्रेम संबंधों में भी किसी भी प्रकार की गलतफहमियां इस समय उत्पन्न हो सकती हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपके लिए जो समय रहने वाला है, दिनचर्या के लिए जो समय रहने वाला है, इस समय दोस्तों आपकी लव लाइफ में वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। घर के बुजुर्गों की सेवा और देखभाल भी करना आपके लिए उचित रहेगा। दोस्तों इस समय आपके लव लाइफ के लिए जो समय रहने वाला है, प्रेम जीवन के लिए जो समय रहने वाला है, दोस्तों इस समय पति पत्नी के बीच में किसी गलत फहमी को लेकर के तनाव रह सकता है। दोस्तों इस समय वैवाहिक जीवन में जो है सामंजस्य बनाकर रखने के लिए आपको अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। दोस्तों पारिवारिक वातावरण को खुशनुमा बनाने के लिए पारिवारिक लोगों के साथ में मनोरंजन और शॉपिंग संबंधी प्रोग्राम बनाएं। इस समय प्रेम संबंधों को मध्यारित रखना आप लोगों के लिए खास रहने वाला है। इसके साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करूं तो नसों में खिंचाव और कुछ दर्द रह सकता है। योगा और व्यायाम पर आपको अधिक ध्यान देना है, यह आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहेगा। तथा इस समय दिनचर्या का भी आप व्यवस्थित रखें, यह आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहेगा। इसके साथ ही साथ इस समय आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय रहने वाला है, सर्वाइकल या फिर मांसपेशियों की वजह से आपको दर्द परेशान कर सकता है, व्यायाम अवश्य करें। साथ ही आराम भी लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों इस समय खांसी जुकाम बुखार जैसी मौसमी दिक्कत रह सकती है। इस समय दोस्तों आर्थिक चीज़ों का आप अधिक से अधिक सेवन अवश्य करें, ये स्वास्थ्य के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। इसके साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय रहने वाला है, किसी किसी समय जो है नकारात्मक विचार आपके मन में उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे दोस्तों आप थकाव या फिर डरा हुआ महसूस कर सकते हैं। इस समय मेडिटेशन पर ज़्यादा ध्यान देना आपके लिए आवश्यक होगा, इसलिए आप इस पर अवश्य से ध्यान दें। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार आपको जादू टोने से बचने के लिए या फिर जादू टोने से यदि आप पीड़ित हैं तो दोस्तों बता दें कि आपको कौन से खास उपाय करने चाहिए। आपको बता दें ऊपरी हवाओं से मुक्ति पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार पढ़ के आपको जल अमृत करना चाहिए और दोस्तों इसे किसी व्यक्ति को पिला सकते हैं। इसे 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करने के बाद में गाय के घी से गायत्री यज्ञ करने से तुरंत आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों आप इसे भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि शुरुआती दिन के समय स्नान करके आप एक साफ सुथरे बर्तन में 1/2 किलो गाय के कच्चे दूध में शुद्ध शहद की 9 बूंदें मिला सकते हैं। आप घर की छत के नीचे भी प्रत्येक कमरे में जीने जैसे गैलरी आदि जगहों पर दूध के छींटे आप लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ या फिर गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है।
बचे हुए दूध को मुख्य द्वार के बाहर गिरा दें। दोस्तों साथ ही आपको बता दें कि रविवार के दिन शुक्रदाय ने हाथ की महापर्वकालीन धतूरे की आपको जड़ बांधने से ऊपरी हवा से भी आप लोगों को काले साए से भी मुक्ति मिल सकती है, आप इसे भी कर सकते हैं। आखिरी में दोस्तों लहसुन के रस के हींग घोल कर आप आकमिड़ा लें या फिर सूंघने से भी पीड़ित व्यक्ति को ऊपरी हवाओं से तुरंत मुक्ति मिल सकती है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप इन खास उपायों को ज़रूर करेंगे और आप काले जादू से भी जल्द ही मुक्ति पा लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय माँ काली जय माता दी जरूर लिखें।